30 अप्रैल 2023 का वो पवित्र दिन जब देव गुरु जो अस्त हो गए थे अब उदय हो रहे हैं। और तीन राशि ऐसी हैं जिनकी तिजोरी भरने वाली है। और गुरु सात्विक ग्रह हैं, हर किसी को फायदा देते हैं। गुरु की दृष्टि अमृत तुल्य है। और गुरु क्या क्या देंगे किस किस राशि को, इस वीडियो में जानिए, अंत तक देखिए वीडियो को। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री, 25 साल से इस क्षेत्र में हैं। आप हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो गुरु के उदय होने पर केंद्रित है। इसको तारा उदय होना भी बोलते हैं। ये ज्योतिष में बहुत शुभ घटना होती है। शादी विवाह के अवसर पर तारा डूबा या तारा उदय हो गया, इसका बहुत मान्यता होती है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, अपने थंबनेल पर टॉपिक पर केंद्रित करेंगे आज का वीडियो जो आपको फ़ायदा देगा। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति बहुत विशालकाय ग्रह है। यह स्वराशि यानी धनु और मीन राशि का स्वामी है और वृश्चिक और कुंभ और कर्क राशि में बलि होता है। राशि के मध्य 10 से 20 अंश तक विशेष बलि होता है। इसके अतिरिक्त धनिष्ठा, शतभिषा तथा पूर्व भाद्रपद नक्षत्रों में भी बलि होता है। बृहस्पति की एक विशेषता होती है कि ये कर्क राशि में उच्च का होता है लेकिन सिंह राशि में भी बल प्राप्त करता है। बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है लेकिन वह लग्न में हो, चतुर्थ में हो और दशम में किसी भी स्थिति में बैठा हो, नीच का होने के बाद भी आर्थिक समृद्धि जबरदस्त देता है, सुख और यश देता है। गोचर की बात करें तो जन्म राशि से प्रथम भाव में मानसिक भय देता है, जन्म राशि से द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ देता है, तीसरे स्थान में हो तो क्लेश और रोग देता है, चतुर्थ स्थान में आर्थिक नुकसान देता है, पंचम स्थान में बहुत शुभ होता है। गुरु का गोचर सुख के साथ साथ आर्थिक लाभ मिलता है, षष्ठम स्थान में भी रोग शोक देता है, शत्रु बलि होता है आपका और हर तरफ से आपको पराजय मिलती है, सप्तम स्थान में सम्मान मिलता है, अष्टम स्थान में कष्ट और आर्थिक नुकसान होता है, नवम स्थान में सुख और आर्थिक लाभ मिलता है। चंद्र राशि से नवम स्थान का बृहस्पति को बहुत शुभ माना गया है। दशम स्थान में हानि होती है, एकादश स्थान में आर्थिक लाभ देता है और द्वादश स्थान में मानसिक कष्ट देता है। तो आप अपनी चंद्र राशि से देख लीजिए कि आपके चंद्र राशि से बृहस्पति का गोचर किस स्थान में है, उसी हिसाब से आपको फल मिलेंगे। बृहस्पति जिस स्थान में बैठता है वहाँ हानि करता है और बृहस्पति की अमृत तुल्य दृष्टि होती है, जिस घर को भी देखता है उस घर की समृद्धि और बरकत देता है, इसकी दृष्टि बहुत शुभ होती है। कहा भी गया है स्थान हानि करे जीवा, जीवा होता है बृहस्पति को, जीवा बृहस्पति को बोलता है, बोला जाता है, जीव बृहस्पति को बोला जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो यह मांगलिक कार्यों का द्योतक है, धर्म का द्योतक है, शिक्षा का द्योतक है, अंतर्ज्ञान और राजतंत्र का द्योतक है, राज्य सुख का और राज्य कृपा का द्योतक है। जिसका बृहस्पति अच्छा होता है उसको कानूनी क्षेत्र से बहुत लाभ होता है, उसकी आजीविका भी कानूनी क्षेत्र से लिखी हुई होती है, जैसे वकील और न्यायाधीश। गुरु विशेष रूप से चर्बी का कारक है। ऐसे लोगों की चर्बी बहुत होती है बॉडी में जिनको बृहस्पति धनु राशि का हो या मीन राशि का हो। हमने देखा है जिनका बृहस्पति मकर राशि में यानी नीच राशि में भी होता है वो भी अच्छे हट्टे कट्टे होते हैं। विवाह का बहुत कारक है बृहस्पति। अगर जन्म पत्रिका में बृहस्पति अशुभ हो तो शादी में तरह तरह के विघ्न आते हैं। ऐसा जातक पूजा पाठ से विमुख होता है जिसका बृहस्पति पीड़ित होता है। मित्रों, हमने तीन राशियों की बात कही है।
पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि की बल्ले बल्ले होगी, धन संपदा अटूट मात्रा में आएगी, घर का मकान बन जाएगा, घर के मकान की भूमिका बन जाएगी, किराए के मकान से छुटकारा मिल जाएगा और घर का मकान होगा। घर का ऑलरेडी मकान है तो और दूसरा मकान बन जाएगा, ऐसी आपकी स्थिति हो जाएगी। तो वृषभ राशि के लिए बहुत शुभ है। दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि को भी अपार धन संपदा का लाभ होगा, करोड़ों भी मिल जाएं तो कम है, उससे भी अधिक धन संपदा उनको मिलेगी। कोई पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, कहीं से रुका हुआ पैसा आ सकता है, कर्जा किसी ने आपसे लिया है तो चुकता हो जाएगा, आपको चुकाने आ जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा, डूबा हुआ पैसा आपको इस अवधि में वापस मिल जाएगा। सरकारी तंत्र से आपको ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। सिंह राशि वालों प्रसन्न हो जाओ। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि को भी ज़बरदस्त लाभ होने वाला है पैसों का, करोड़ों में खेलने की स्थिति आ गई है, तो खुश हो जाइए, उल्लास से प्रफुल्लित हो जाइए। आपका हर तरफ से मान सम्मान होगा, आपको हर कोई चाहेगा, हर कोई आपको तवज्जो देगा, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। तो धनु राशि वालों के लिए भी बहुत शुभ होगा ये गुरु का गोचर और उदय की स्थिति। हमने तीन राशियों की बात की थी, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति निर्मित हो रही है और कुंभ राशि वालों को भी बहुत अपार मात्रा में धन का ढेर लगने वाला है। 100 सोचोगे तो 1,000 या 10,000 से कम आपको नहीं मिलेंगे कहीं से भी। तो तैयार हो जाइए, आपकी समृद्धि होने वाली है, धन की वृद्धि होने वाली है, आपको हर जगह मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने वाली है, दबदबा आपका कायम होगा, आप पर कोई हावी नहीं हो पाएगा, आप सब पर हावी रहेंगे, आपकी बात हर कोई मानने लगेगा, आपको हर कोई सम्मान की नज़र से देखने लगेगा, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। तो हमने तीन राशियों का थंबनेल दिया था, लेकिन चौथी राशि भी इससे अछूती नहीं है। अन्य राशि वालों को भी सामान्य फलप्रद रहेगा बृहस्पति का गोचर। आप बृहस्पतिवार का व्रत करें, बृहस्पति के उपाय करें तो आपको फ़ायदा होता है। आपको हल्दी की माला से बृहस्पति का मंत्र जपना चाहिए, जो इस प्रकार है, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इसका जाप करिए। गुरु गायत्री भी आप जप सकते हैं, ओम अंगिरो साय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। गुरु का तांत्रिक मंत्र भी आपको जपना चाहिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको लाभ होता है। लेकिन वृषभ राशि और कुंभ राशि वाले बृहस्पति का मंत्र जपने के बजाय शुक्र का मंत्र जपें, उनको अधिक लाभ होगा। धनु राशि वाले बृहस्पति का मंत्र जप सकते हैं और सिंह राशि वाले भी बृहस्पति का मंत्र जप सकते हैं। आप चाहें तो शुक्र का मंत्र भी जप सकते हैं और सूर्य देव का मंत्र तो आपको जपना ही चाहिए। जिनके लिए बृहस्पति चौथे, आठवें और बारहवें भाव से गोचर कर रहा है चंद्र राशि से, उनको चाहिए कि गुरु से संबंधित कोई भी चीज़ किसी से मुफ्त में ना लेवें। नित्य केसर का तिलक लगाएं माथे पर, आपको फ़ायदा होगा। गले में सोने की चैन अवश्य धारण करें। पीपल और केले के वृक्ष पर जल प्रवाहित करें, जल देवें, आपको लाभ होगा। 3 हल्दी की गांठें 43 दिन तक लगातार जल प्रवाहित करें, आपको फायदा।